चलते हैं हम लोग, देखते हैं आज हमारे पास क्या टॉपिक है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो बताइए इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम इसमें कवर करेंगे कि सबसे पहले डाइजेशन क्या होता है और डाइजेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, खाना क्यों इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हम कवर करेंगे कि डाइजेशन ऐसा क्या हमारे अंदर सिस्टम है जो डाइजेशन प्रोसेस करवाता है, और उसके बारे में डिटेल जाने। ओके, तो पहला बात तो ये हो गया कि हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए फूड जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। क्योंकि फूड बेसिक रिक्वायरमेंट क्यों है, एज अ ऑर्गेनिज्म हमें चाहिए एनर्जी, ठीक है, हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो ये सारी चीजें, चाहे वो एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो, चाहे न्यूट्रिएंट्स का फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वेरियस फंक्शन जो बॉडी में चल रही है, उन सबके लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो हमें मिलेगा कहाँ से, फूड से मिलेगा, ठीक है। इसीलिए हमारा क्या हो गया, बेसिक रिक्वायरमेंट हो गया, ठीक है। अब आप बताइए हमें इन फूड में क्या क्या मिलता है। इन फूड में हमें पांच चीजें मिलती हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स, जिनको हमने फिर से कैटेगराइज कर दिया है, मैक्रोमोलिक्यूल्स या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने देखा कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हम लोगों ने देखा किसके बारे में, फूड के बारे में, कि फूड का बेसिक रिक्वायरमेंट हमें क्यों है, ठीक है। उस वजह से आपने बताया कि हमें फूड में जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो पांच होते हैं। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट जिसको ऑयल बोल सकते हैं, साथ में अपने पास विटामिन्स और मिनरल्स है, ठीक है। और फिर हम लोग उसमें देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स या फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, क्योंकि हमारे फूड में इन्हीं की अधिकता होती है ना, जो बल्क ऑफ फूड होता है ये इन्हीं से बना हुआ है। और विटामिन्स और मिनरल्स को हम लोग माइक्रोमोलिक्यूल्स या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बोलते हैं, क्योंकि ये इसेंशियल थे हमारे बॉडी के लिए, लेकिन इनका जो अमाउंट है बहुत ही छोटा, छोटू सा अमाउंट चाहिए, बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए, ठीक है। लेकिन हम लोग ये भी जानकारी रखनी चाहिए, विटामिन की कमी अगर हो जाए तो उससे भी डिजीज होती है, अब विटामिन की अधिकता भी हो जाए तो उससे भी डिजीज हो सकती है। इसीलिए भैया इसका अमाउंट एक बैलेंस अमाउंट में चाहिए, और वास्तव में हर एक चीज बैलेंस अमाउंट में चाहिए, है कि नहीं। और वाटर जो है उसका रोल क्या है, वाटर जो है सबसे पहले हमारे मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, मतलब हमारी बॉडी में जितनी भी प्रोसेसेस हो रही हैं उस सब में वाटर की रिक्वायरमेंट है, और हमें प्रिवेंट करता है डिहाइड्रेशन से, ठीक है। मतलब वाटर एक मीडियम है जहाँ पे सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारी बॉडी में चल रही है, ठीक है। जो भी रिएक्शन का नाम दे दो वो चल रही है किसके, सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म का मेन कॉन्स्टेंट कौन है, वाटर ही है, ठीक है। तो सारे रिएक्शन लगभग कहाँ पे हो रहे हैं, पानी में ही हो रहे हैं, ठीक है। तो इतना पार्ट हो गया। अब डाइजेशन क्या है फिर, तो डाइजेशन क्या है, जो हम फूड लेते हैं वो जो फूड है उसमें जितने भी सब्सटेंस की हमने बात की, मेनली बल्क वाले की, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की, ये कॉम्प्लेक्स के रूप में पाए जाते हैं, ये इजिली एब्जॉर्ब नहीं होंगे हमारी बॉडी में, ठीक है। तो इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को पहले मैं क्या करूंगा, तोड़ूंगा, तोड़ के इतना छोटा बना दूं कि ये सिंपल हो जाए, कॉम्प्लेक्स सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और हमारी बॉडी में इजिली एब्जॉर्ब हो जाए। एब्जॉर्ब होगा तभी तो यूज करूंगा, है ना। तो यही काम होता है किसका, डाइजेशन का, है कि नहीं। तो डाइजेशन का काम क्या होगा बताइए एक बार फिर से बताइए फटाफट। तो डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस हो गई जिसमें हमारे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को छोटे 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 पार्ट्स में ब्रेक डाउन करते हैं, जिससे वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए। अब बताइए कि डाइजेशन के लिए हमारी बॉडी में क्या, कौन सिस्टम है। हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम करके एक सिस्टम है जो इस प्रोसेस को कैरी आउट करता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है, एक आता है एलिमेंट्री कैनाल और एक कहते हैं कि एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड, मतलब वो ग्लैंड्स जो डाइजेशन में एड करेंगे, हेल्प करेंगे, है ना। और एलिमेंट्री कैनाल हमें क्या बोलेंगे, एक टाइप का पाइपलाइन हमारे बॉडी में बिछा हुआ है ना, फ्रॉम माउथ टू एनस। माउथ को हम लोग बोलते हैं एंटीरियर ओपनिंग और एनस कहलाएगी पोस्टीरियर ओपनिंग, ठीक है। तो अब ये बताइए आप, जैसे कि हमारे पास फिगर है, ठीक है, फिगर हम लोगों ने बहुत कठिनाई से बनाया है, ठीक है। तो इसमें तो भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम बताओ क्या क्या बता सकते हैं उसमें, ठीक है। तो अगर इसमें हम देखें, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हमारा माउथ,
माउथ के साथ ही आ जाता है ओरल कैविटी, ठीक है। ओवर ओरल कैविटी में हमारे पास आते हैं हमारे टीथ और उसके साथ में हमारी मस्कुलर ऑर्गन जिसे हम कहते हैं टंग, ठीक है। इसके बाद अगर हम और नीचे जाएं तो हमारी आती है ईसोफेगस, वो ईसोफेगस कनेक्ट हुई है स्टमक के साथ, ठीक है। स्टमक हमारा कनेक्टेड है पेनक्रियास लीवर प्लस लार्ज इंटेस्टाइन के साथ, स्मॉल इंटेस्टाइन उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और जो कि हम डिटेल में देखेंगे आगे, हम यहाँ पे सिर्फ फिगर में ये दिखा रहे हैं कि माउथ टू एनस में माउथ जो है वो ओपनिंग है, उसके बाद आती है ओरल कैविटी, उसके बाद आती है फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद आती है ईसोफेगस, उसके बाद स्टमक, स्टमक के बाद आती है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें है इलियम, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, इलियम नहीं भैया, वो क्या नाम है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन जिसमें आता है सीकम, कॉलन, रेक्टम, ठीक है, ये आती, ठीक है। तो सीकम, कॉलन, और कॉलन का जो होता है वो तीन पार्ट होता है, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्ट कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, और एक होता है सिग्मोइड कॉलन, ठीक है। फिर होता है रेक्टम, फिर होता है एनल कैनाल, फिर होता है एनम, एनल सॉरी एनस, क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये होता है। अब इसमें हम मेनली क्या देखने जा रहे हैं, फर्स्ट पार्ट माउथ, अब बताओ माउथ के बारे में। माउथ हमारी एंटीरियर ओपनिंग है, एंटीरियर का मतलब है आगे की तरफ, ठीक है। तो ये इसलिए इंटीरियर ओपनिंग है, और जो मसल बेसिकली हमारे माउथ को खोलने में हेल्प करती है उसका नाम है ऑर्बिकुलरिस ओरिस, ठीक है। एक्चुअली माउथ जो है वो अपर लिप और लोअर लिप से बाउंडेड है, और वहां पे जो मसल पाई जा रही है वो ऑर्बिकुलरिस ओरिस है, जो कि माउथ के ओपनिंग में हेल्प करेगी, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों में ना, माउथ को खोलना है बंद करना इसमें हेल्प करेगी, ठीक है। माउथ के बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है किसमें, जीआईटी में या डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल में, वो क्या कहलाता है, बक्को-फेरिंजियल कैविटी, ठीक है। अब बक्को-फेरिंजियल कैविटी में दो पार्ट है ना, एक क्या है बक्कल वेस्टिब्यूल और दूसरा है ओरल कैविटी, ठीक है। बक्कल वेस्टिब्यूल हो गया, दूसरा क्या हो गया, ओरल कैविटी हो गया। वेस्टिब्यूल किसे कहते हैं, वेस्टिब्यूल एक टाइप का गैप होता है दो चीज के बीच में, ठीक है। या बक्कल वेस्टिब्यूल है तो बक्कल वेस्टिब्यूल जो गैप है इन बिटवीन गम एंड द चीक्स, जहां पे हम टेम्पोरली खाने को रख सकते हैं, कभी कभी टॉफी भी खाते हैं तो उधर रख के अपन आराम से चूसते रहते हैं उसको, ठीक है। और बहुत लोग सूरती वूरती खाते हैं उधर ही रख के मस्त उसका एंजॉय करते हैं, ठीक है। तो बक्कल वेस्टिब्यूल, ठीक है, ये टेम्पोररी स्टोरेज फॉर फूड जो हमें माउथ में चबा रहे हैं, ठीक है। अब ओरल कैविटी, ठीक है, अब बताइए इसके बारे में बताइए। ओरल कैविटी की अगर हम बात करें तो ये एक स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से बना हुआ है, नहीं इसको बोल सकते बना ही है, ओरल कैविटी इज लाइंड बाई, है ना। ओरल एक्चुअली एपिथेलियम का मतलब ही क्या होता है, लाइनिंग वाले, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइनिंग है वो बनी है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, है ना। अब स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है मल्टी लेयर की बनी हुई, ठीक है। तो मल्टी लेयर क्यों रिक्वायरमेंट, स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है मल्टी लेयर, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि चिकन खा रहे हैं, है ना, तो वो थोड़ा सा टफ चीज है, तो वो हमारी टीयर ना करे आसानी से, उसको फाड़ ना दे, मतलब कुछ क्या बोल सकते हो, खराब हो जाए हमारा वो जो लेयर है अंदर की लेयर, म्यूकोसा लेयर से बोलते हैं ना। तो इसीलिए भगवान ने हमें वहां पे कैसा दिया है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। इसका डिटेल हम लोग बात करेंगे जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हिस्टोलॉजी, ठीक है। और हमारी ओरल कैविटी में एक और चीज पाई जाती है, मस्कुलर टंग, ठीक है। तो इसके बारे में लोग दो तरह के होते हैं, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ, ठीक है। तो इसके आधार पर इसका नाम क्या बोला जाता है, डाइफाइडोंट। डाइफाइडोंट का मतलब होता है हमारे लाइफ टाइम में टीथ आपको दो बार देखने को मिलेगा, ठीक है। एक पहले जो बचपन में आता है उसको हम लोग मिल्क टीथ या फिर डेसीड्यूस, डेसीड्यूस का मतलब होता है जो कुछ समय बाद टूट के या निकल जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आती कौन सी आती है, परमानेंट टीथ, जिसको हम लोग बोलते हैं एडल्ट टीथ, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि तुम्हारी बत्तीसी तोड़ देंगे ना, किसी जो फाइट होता है तो तुम्हारी बत्तीसी तोड़ देंगे, मतलब हमारे पास कितने टीथ हैं, 32 एडल्ट्स में हमारे पास 32 टीथ है, ठीक है। अब एक टर्म आता है थीकोडोंट, इसका मतलब समझाइए, थीकोडोंट की अगर हम बात करें तो जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे जो टीथ हैं वो एक सॉकेट जैसे स्ट्रक्चर में प्लेस हो रखे हैं, तो उस अटैचमेंट को हम क्या बोलते हैं, थीकोडोंट, ठीक है। तो हमारे पास जो टीथ है वो अपर जॉ और लोअर जॉ में फिट बैठा हुआ है, फिटिंग के लिए उस बोन्स में कुछ गड्ढे हैं, है ना, कुछ सॉकेट बना हुआ है, तो इस टाइप के सॉकेट में पड़े हुए टीथ को हम लोग क्या बोलेंगे, थीकोडोंट, ठीक है। अपर जो जॉ है वो कौन बनाता है, मैक्सिला बोन बनाती है, और लोअर जॉ जो होती है वो कौन बनाती है, मैंडिबल बोन बनाती है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि ओरल कैविटी की जो लाइनिंग है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की लाइनिंग है, ठीक है। अच्छा, इसी में और थोड़ा सा प्रश्न ले आता हूं कि स्किन की लाइनिंग क्या है, स्किन की लाइनिंग भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, लेकिन एक क्रिटिनाइज्ड होती है,
ठीक है। और यहाँ पे जो लाइनिंग होती है ये भी स्टेडीफेस का एपिथेलियम है, लेकिन ये कैसी होती है, नॉन केराटिनाइज, ठीक है ओके। अब और नेक्स्ट क्या आया था, मस्कुलर टंग था, टीथ के बारे में बात किया, थीकोडोंट और डाइफाइडोंट, ठीक है। अब ह्यूमन के टीथ को लेके आती है कि ये ना हेट्रोडोंट होता है, कैसा होता है ये, हेट्रोडोंट, इसका मतलब बताइए, हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट का मतलब, हेट्रो का मतलब डिफरेंट और डोंट मतलब टीथ, तो हेट्रोडोंट डेंटिशन, डेंटिशन का क्या मतलब है कि हमारे कितने टाइप के टीथ मिलते हैं, फोर टाइप ऑफ, हमारे पास अलग अलग प्रकार के टीथ हैं, अलग अलग फंक्शन है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोडोंट, एक टाइप का टीथ नहीं है हमारे पास ना, हमारे पास चार टाइप की टीथ है, चारों का अलग अलग काम है, इसीलिए हमको हेट्रोडोंट बोल देता है। ऑन द बेसिस ऑफ क्या, स्ट्रक्चर है ना, फंक्शन, देखने में अलग है, काम अलग है, इसी के आधार पर हमारे टीथ का नाम हेट्रोडोंट। तो इसका मतलब ह्यूमन टीथ जो हो गया थीकोडोंट हो गया, सही है ऑप्शन, दूसरा हो गया डाइफाइडोंट, ये भी सही है, दो बार आ रहा है ना, और क्या बोल सकता हूँ, हेट्रोडोंट बोल सकता हूँ, मतलब तीनों ऑप्शन सही है। सुना जाए कि ह्यूमन टीथ इज थीकोडोंट डाइफाइडोंट हेट्रोडोंट ऑल ऑफ अबव, तो ऑल ऑफ अबव, ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करते हैं कि हेट्रोडोंट जो बोला उसमें बस चार टाइप की टीथ हैं, पहला क्या है, इंसाइजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर, चौथा मोलर, ठीक है। अब इंसाइजर, कभी पूछना सकता है कि इंसाइजर का शेप कैसा होता है, तो क्या बताऊंगा, चिज़ल लाइक, चिज़ल मतलब क्या होता है हिंदी में, छेनी, छेनी, ठीक है, जिससे कि हम लोग एक्चुअली इंसाइजर, अगर आप देखे होंगे अपने शक्तिमान, उसमें गंगा गद्दर दिखा होगा, ठीक है, तो उसका 30 बार निकला होता है दो बड़े बड़े, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंसाइजर। ये सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, हमारा रैबिट है, रैबिट का काम क्या, कुतरना, ठीक है, या फिर तुम्हारा जो तुमको काटा चूहा, ठीक है, तो ये कौन करेगा, इंसाइजर, ठीक है, चिजल लाइक, ठीक है। और कैनाइन जो होती है, कैनाइन से ही समझ, कैनाइन एनिमल्स है, कार्निवोर्स है ना, जैसे शेर हो गया, ठीक है, लोमड़ी उमड़ी हो गया, तो उसके पास जो दांत होती है, जो नुकीली सी दांत निकली होती है, वो मांस को फाड़ने के लिए होती है ना, तो ये जो दांत होती है बहुत ही क्या होती है, शार्प। और प्री मोलर और मोलर जो होती है, इसका मेन काम क्या है, चबाना, ठीक है, चीजों को ग्राइंड करके एकदम से छोटे पार्ट में तोड़ देना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, हेट्रो, ठीक है। अब टीथ को लेकर थोड़ा सा हमें और भी जानकारी यहाँ पे देनी है, जैसे कि अगर हम एक टीथ को बाहर निकाल के उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करें, तो बताइए कितने पार्ट हैं उसके, तीन पार्ट, ठीक है, पहला क्या है, क्राउन, नेक एंड रूट, रूट, तो किसको बोलेंगे क्राउन, किसको बोलेंगे नेक, किसको बोलेंगे रूट, तो रूट शुरू करते हैं जड़ से, ठीक है, तो रूट क्या है, रूट हमारा वो पार्ट है जो सॉकेट के अंदर अंदर है, जॉ बोन्स के सॉकेट के अंदर जो पार्ट बैठा हुआ है उसे हम लोग क्या बोल देंगे, रूट। बोन के ऊपर गम्स है, गम्स में जो पार्ट छुपा हुआ है उसे हम लोग क्या बोल देंगे, नेक, और गम्स के ऊपर कुछ पार्ट है जिसको हम लोग क्या बोल देंगे, क्राउन। जैसे कि हम लोग क्या देखते हैं, फोटो देखते हैं, ठीक है, तो ये अच्छे से तो दिख तो नहीं रहा है, जैसे ये जो पार्ट है, कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये हमारा बोनी सॉकेट है, ठीक है, ये क्या है, क्या लिख रहा हूँ, बोनी सॉकेट है ना, तो इस बोनी सॉकेट के अंदर जो पार्ट पड़ा हुआ है ये वाला पार्ट, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, रूट, ठीक है। और ये जिंजीवा है, जिंजीवा का मतलब हो गया गम, गम्स में जो पार्ट छुपा हुआ है उसे हम लोग क्या बोल दिए, नेक, और इसके ऊपर जो पार्ट उसे क्या बोल दिया, क्राउन, ठीक है। थोड़ा सा बात करें क्राउन की, क्राउन किससे, क्राउन के ऊपर एक बहुत ही स्पेशल टाइप की कवरिंग है जो कि एनिमल किंगडम की सबसे हार्डेस्ट कवरिंग में मानी जाती है, उसका नाम क्या है, एनामल, ठीक है, तो एनामल जो है वो एनिमल किंगडम की सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस मानी जाती है, वो शायद किससे बनी होती है, शायद कैल्शियम फॉस्फेट, हाँ, कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है। और एनामल की जो ऑरिजिन है वो कैसी है, एक्टोडर्मल ऑरिजिन है, इसको बनाती कौन सी सेल्स है, तो एमाइलोब्लास्ट, कौन बनाती है, एमाइलोब्लास्ट, ठीक है। तो ये इसके बारे में हो गया, एनामल के बारे में हो गया, ठीक है, एनामल की ओरिजिन एक्टोडर्मल हो गई, बनाती कौन है, एमाइलो ब्लास्ट बनाती है, ये गम्स के जो बाहर दिखाई पड़ती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्राउन, क्राउन की कवरिंग का नाम है एनामल, ठीक है। अब मेन पार्ट ऑफ द टूथ है वो कौन बनाता है, वो बनाता है डेंटाइन, कौन बनाता है, डेंटाइन, यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा ये जो मेन बल्क वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट वो कौन बनाता है, डेंटाइन, डेंटाइन बनती किस सेल की वजह से है, तो ओडोंटोब्लास्ट, कौन बनाती है इसको, ओडोंटोब्लास्ट, ओडोंटोब्लास्ट एक ऐसी सेल है जो कि टीथ के अंदर एक कैविटी पाई जाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पल्प कैविटी। अब पल्प कैविटी की जो ओपनिंग होती है उसे हम लोग बोलते हैं एपिकल फोरामेन, इस एपिकल फोरामेन के थ्रू ही ब्लड वेसल्स और नर्व गई होती है, ठीक है ओके। अब इस एपिकल फोरामेन से गई है, इसे पल्प कैविटी बोल दिया, पल्प कैविटी के जो अंदर की जो सेल्स की लाइनिंग है उसी को कौन बनाती है,
उसी को बनाती है ओडोंटोब्लास्ट। कौन बनाती है? ओडोंटोब्लास्ट, मतलब पल्प कैविटी के इनर लाइनिंग को बनाती है ओडोंटोब्लास्ट। यही ओडोंटोब्लास्ट वो सेल्स हैं जो सिक्रीट करती हैं किसको? डेंटाइन को। किसको करती हैं? डेंटाइन को। ठीक है, तो इतना हमें टीथ में पता चला। ठीक है, अब हम लोग बात करें किसकी? डेंटल फॉर्मूला की। डेंटल फॉर्मूला का मतलब होता है कि हम अपर जॉ के हाफ पार्ट को लिखें और लोअर जॉ के हाफ पार्ट को लिखें। ठीक है, जैसे कि हमारा जो अपर जॉ और लोअर जॉ है वो सिमेट्रिकल है ना, सिमेट्रिकली हाफ हाफ इक्वली डिवाइड है। तो डेंटल फॉर्मूला में हम लोग अपर हाफ और नीचे वाले में लोअर हाफ को लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि बात करें चाइल्ड में, तो चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला क्या आता है? 2102 2102। तो इसका मतलब क्या है? टू का मतलब है पहला हिस्सा किसका है? इंसाइजर का, है ना। तो पहले हम लोग किसके बारे में लिखे हैं? इसका मतलब पहले इंसाइजर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर, फिर मोलर। तो 2102 का मतलब हो गया बच्चे के अंदर दो इंसाइजर हैं, एक कैनाइन है, प्रीमोलर एक भी नहीं है, और मोलर कितने हैं? दो है। ठीक है, तो अगर इसको हम बताना चाहें, इसका मतलब हमारे हाफ पार्ट में कितना है? दो एक तीन दो पांच, ना, पांच नीचे हैं, पांच ऊपर, लेकिन हाफ में। ठीक है, इसको अगर पूरा मान ले तो 10 ऊपर है या 10 नीचे, टोटल कितना हो गया? 20। ठीक है, तो चाइल्ड में टोटल कितने टीथ हैं? 20। क्या कोई प्रीमोलर है? क्वेश्चन आएगा, नहीं है। डेंटल फॉर्मूला क्या है? 2102/2102। ठीक है, इतना हो गया। अब एडोलसेंट की बात करें तो इसके हाफ में कितने दिख रहे हैं? दो दो चार दो छह सात, ना, सात दिख रहे हैं, और यहां भी कितना दिख रहा है? सात। अगर पूरे की बात करेंगे तो कितना? 14/14, टोटल कितना जाएगा? 28। यहां पे किसकी कमी है? यहां पे लास्ट वाले मोलर की कमी है। ठीक है, किसमें? एडल्ट सेट में, जिसको हम लोग लास्ट मोलर क्या बोलते हैं? विजडम टीथ बोलते हैं। ठीक है, तो एडल्ट्स में ये भी पूरा हो गया। तो 2 1 2 3 3 2 5 2 7 8, है ना, अपर हाफ और लोअर हाफ, ना, 8 8 हो गया। फुल में कितना हो जाएगा? 16 और 16, टोटल कितना हो गया? 32। ठीक है, तो ये हो गया अपना डेंटल फॉर्मूला। एक बार अब तुम क्या करोगी कि तुम पूरा एक बार कंक्लूड कर दो फटाफट। ठीक है, तो अभी आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? आज के लेक्चर में हमने नया टॉपिक शुरू करा जिसका नाम था डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन। उसमें हमने फूड के बारे में देखा कि फूड हम सबकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। फूड हमें पांच तरीके के न्यूट्रिएंट्स देता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, जिनको हमने दो में बांट दिया। जो हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए वो मैक्रो, जो हमें कम मात्रा में चाहिए वो माइक्रो, और जो हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, उनका जब हम ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल फॉर्म में, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन। और डाइजेशन कौन करवाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एलिमेंट्री कैनाल एंड उसके साथ एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। जिसमें हमने एलिमेंट्री कैनाल की बात करी कि एलिमेंट्री कैनाल हमारी माउथ टू एनस होती है, और उसके हमने डिफरेंट पार्ट्स देखे। माउथ हमारी एंटीरियर ओपनिंग होती है, अपर लिप और लोअर लिप से बनी होती है, और इसमें एक मसल होता है जो मूवमेंट कराता है जिसका नाम है ऑर्बिकुलरिस ओरिस। उसके बाद दूसरा पार्ट आता है बक्को फेरेंजियल कैविटी, जो अगेन दो पार्ट से बनी होती है, बक्कल वेस्टिब्यूल और ओरल कैविटी। बक्कल वेस्टिब्यूल, जैसे हमने बात करी कि एक गैप है किसके बीच में? गम्स और चीक्स के बीच में। और ओरल कैविटी में हमारे पास क्या आ गया? टीथ और टंग। ठीक है, और हमारी जो ओरल कैविटी है उसमें कैसा एपिथीलियम है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम। और हमारी टंग आ गई। टीथ की अगर बात करें, टीथ में आ गया थीकोडोंट, किसको क्या बोलेंगे? अटैचमेंट। डाइफोडोंट, डाइफायोडोंट का क्या मतलब है? हमारे दो सेट ऑफ टीथ है। उसके बाद हेंट्रोडोंट डेंटिशन है, इसमें चार सेट मिलते हैं हमें, इंसाइजर, केनाइंस, प्रीमोलर और मोलर। फिर हमारे पास क्या आएगा? डेंटल फॉर्मूला। और इसी डेंटल फॉर्मूला का मैं एक निमोनिक आपको देना चाहती हूँ कि आपको याद नहीं हो रहा कि कैसे मैं याद रखूं क्या आएगा सबसे पहले। तो इधर से ही आपको एक निमोनिक बनता है, ICPM मोदी। अच्छा, ठीक है, ICPM मोदी। तो ये एक निमोनिक है, एक शॉर्ट ट्रिक है कि जिससे आप याद कर सके। और इसी के बाद हमने देखा कि कैसे कैसे हमने निकाला कि किसमें कितने टीथ हैं, एडोलेसेंट का और एडल्ट का। ठीक है, फिर थोड़ा टीथ के बारे में हम लोगों ने देखा। टीथ के तीन पार्ट होते हैं, क्राउन, नेक और रूट। ठीक है, क्राउन किसे बोलेंगे, नेक किसे बोलेंगे, रूट किसे बोलेंगे, आप जानते हैं। इनेमल के बारे में देखा, डेंटाइन के बारे में देखा, दो टाइप की सेल्स देखी, एमाइलोब्लास्ट और ओडोंटोब्लास्ट। एमाइलोब्लास्ट जो होती है वो बनाती है इनेमल को, और ओडोंटोब्लास्ट जो होती है बनाती है डेंटाइन को। ठीक है, तो ये हुआ पार्ट वन टाइप का। अपन इसके बाद पार्ट टू में क्या देखेंगे? मेनली हम लोग टंग्स के बारे में देखेंगे, और क्या देखेंगे उसमें? बाकी मिस्ट्री रहने दीजिए। हाँ, ठीक है, ओके, ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।